नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज अगेन मैं आपको थोड़ी सी चार पांच और टिप्स नहीं देने वाली हूँ डिबेट के लिए, स्पेशली जो आपको डिबेट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इस सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ, जो आपको बताएगी कि किस तरीके से आप डिबेट में कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके डिबेट जीत सकते हैं। सबसे पहला है लिसनिंग एंड टेक नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सामने वाले की कोई बात को नोटिस करना है तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा और उन चीजों को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां आपने उन चीजों को नोट डाउन कर लिया तो आपको काउंटर अटैक के लिए बहुत आसानी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आप इसको बेटर जस्टिफाई कर सकते हैं या आप इस बात को काउंटर अटैक कर सकते हैं तो जरूर उस पॉइंट को नोट डाउन करिए, क्योंकि उस वक्त आपका स्टेट जो है वो थोड़े से पैनिक के मोड में होता है। एंड इट इज ओके टू बी नर्वस, इट इज ओके टू पैनिक, बट एट द सेम टाइम अगर आपने वो लिख लिया होगा तो आप भूलेंगे नहीं इस बात को। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप, क्योंकि वहां सभी लोगों के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं जानी चाहिए जो आप सुने ना, तो अपना ध्यान बनाए रखें वहां पे। सो बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग टू योर आर्ग्यूमेंट ऑफ द कंपोनेंट एंड ट्राई टू नोट द मेन पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, सो इट विल हेल्प यू टू डू द काउंटर अटैक ऑन देयर पॉइंट। ऑल्सो टेक नोट ऑफ एनी वीकनेस इन द लॉजिक दैट कैन बी रिबटेड। सो भाई मैंने यही चीज बोली कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है इसको नोट डाउन करिए, कोई चीज ऐसी जिस पे आप काउंटर अटैक कर सकते हैं उसको नोटिस करिए और वहीं से एक बेहतरीन डिबेट की शुरुआत करिए। ठीक, नेक्स्ट जाता है टेल अ स्टोरी और गिव एन इलस्ट्रेशन विद एन एग्जांपल। जब भी मैं आपको बातें समझाने की कोशिश करती हूँ तो ये कथा आपको समझ में नहीं आएगी, पर आपको जो समझ में आएगा वो आएगा मेरा एग्जांपल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके के एग्जांपल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं और वो एग्जांपल्स आपकी डिबेट को और बेहतरीन बनाएंगे, सामने वाले को समझने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, सो इट इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड दैट योर ऑडियंस इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड विद योर पॉइंट्स। ट्राई टू टेल देम अ स्टोरी और इलस्ट्रेट रिगार्डिंग द पॉइंट टू क्लियर द पॉइंट you want your audience to be convinced on. अगर आप अपने ऑडियंस को कन्विंस करना चाहते हो तो आपको इस बात का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और जब आप एग्जाम्पल्स दोगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हो जाता है यूज अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे मैंने और भी पार्ट्स जिन पे मैंने जैसे मेमो पे बनाया है, मैंने और भी बहुत सारे लेटर राइटिंग के बारे में आपको समझाया। सो यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा यही रहता है, बार बार मैं आपको बताती हूँ कि कंक्लूजन में आपको रिमाइंडर देना है सामने वाले को। कंक्लूजन इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। ओके, सो अ पर्सन विद गुड डिबेटिंग स्किल्स कैन फिनिश नाइसली विद स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दैट स्टेट्स देयर थीसिस एंड द मेन पॉइंट्स वेरी क्लियरली। ट्राई टू कंक्लूड द टॉपिक सच मेन पॉइंट्स दैट एवरीवन कैन टेक देम टू देयर होम। कुछ चीजें ऐसी जो रिमाइंडर की तरह बनेंगी और आपके दिमाग में बैठेगी, और यही बातें आप अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे आप कहीं बाहर किसी सत्र को सुनने के लिए बैठे तो वो एक ऐसे एग्जाम्पल को बता देंगे कि एक ऐसी बात को कह देंगे, ऐसी भावना को कह देंगे एंड में, जो शायद आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रख लेते हो और कहीं ना कहीं वही चीज उस भावना के साथ आप घर चले जाते हो। ठीक है, सो आपको इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हेन डिबेटिंग डोंट टेक चीप शॉट्स। सो अवॉइड टेकिंग चीप शॉट्स ड्यूरिंग द डिबेट बिकॉज इट शोज दैट यू आर एरोगेंट, डोंट केयर ऑफ देयर ओपोनेंट्स, एंड इट इज पॉसिबल दैट वी मे नॉट एग्री ऑन द ओपोनेंट्स पॉइंट बट इट डज नॉट मीन दैट वी स्टार्ट टेकिंग चीप शॉट्स। चीप शॉट्स का मतलब ये होता है जैसे कोई बात कर रहा है और आप उसके बीच में इंटरप्ट करें और आपने उसकी बात को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, या आपने कई बार इतनी बात करी कि किसी और को आपने बोलने का मौका नहीं दिया, तो इस तरीके के चीप शॉट्स को आप अवॉइड करेंगे। आप समझेंगे कि बहुत बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम बात करो और अच्छी बात करो। ऑलराइट, सो ये सारी बातें हैं भाई आपके आपका जो टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन डिबेट्स। तो यहाँ होती है हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन डिबेट खत्म। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगी डूज एंड डोंट्स पे। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से और बेहतरीन आप अपने प्रेजेंटेशन को, डिबेट की प्रेजेंटेशन को और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए।